नमस्कार, मैं अंकित प्रधान एक बार फिर आपके बीच उपस्थित। जैसा कि आप सबको पता है, आज रात 10 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को दिए अपने संबोधन में कोरोना से बचाव के लिए अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन का पालन करने के लिए अपील की थी। आइए आज जानते हैं कि आयुष मंत्रालय ने अपनी मार्गदर्शिका में क्या क्या सुझाव दिए हैं। आयुष मंत्रालय की एक मार्गदर्शिका जारी की है, जिसके पहले भाग में बताया गया है कि शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला, जितना हो सके दिन भर गर्म पानी का सेवन करते रहें। दूसरा, दिन में कम से कम आधा घंटा योगाभ्यास, प्राणायाम या ध्यान करें। तीसरा, अपने भोजन में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का प्रयोग करें। यह सारे मसाले अपने औषधीय गुणों के कारण जाने जाते हैं। हमारे देश में ज्यादातर घरों में पहले से ही इन मसालों का प्रयोग होता रहा है। इन मसालों का प्रयोग बहुत ही सरल है। हम इन मसालों को तड़के के रूप में या फिर ग्रेवी बनाते समय उसमें भी डाल सकते हैं। इसके अलावा लहसुन का प्रयोग हम पेस्ट बना के या साबुत भी खाने में कर सकते हैं। यह सारे मसाले अपने चिकित्सीय गुणों के कारण पाचन क्रिया, लीवर की समस्या, कैंसर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं में उपयोगी सिद्ध होते हैं और यह अपनी प्राकृतिक एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक गुणों के कारण भी जाने जाते हैं। मार्गदर्शिका के दूसरे भाग में बताया गया है कि अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। रोज सुबह 1 चम्मच लगभग 10 ग्राम चमनग्रास का सेवन करें। दिन में 1 से 2 बार हर्बल चाय या फिर काढ़ा बनाकर पिए। काढ़ा बनाने के लिए हम लोग तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, मुनक्का आदि का उपयोग कर सकते हैं और इसमें सौंठ भी डाल सकते हैं। अगर सौंठ ना हो तो हम इसके बदले इसमें अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो काढ़ा में गुड़, शहद या नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। काढ़ा में प्रयोग किए गए मसालों की अपनी ही प्राकृतिक औषधीय गुण है, जैसे कि दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं या ब्लड शुगर लेवल और हृदय रोग के जोखिम को भी कम करता है। तुलसी अपने एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसर आदि गुणों के लिए जानी जाती है। तुलसी इसी कारण हमारे देश के अधिकतर घरों में पाई जाती है और हम अपने घरों में तुलसी को इसीलिए देवी का दर्जा देकर पूजा भी करते हैं। यही सारे गुण अन्य मसालों में भी पाए जाते हैं। काढ़ा में प्रयोग किए गए मसालों की अपनी ही प्राकृतिक औषधीय गुण है, जैसे कि दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं या ब्लड शुगर लेवल और हृदय रोग के जोखिम को भी कम करता है। तुलसी अपने एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसर आदि गुणों के लिए जानी जाती है। तुलसी इसी कारण हमारे देश के अधिकतर घरों में पाई जाती है अपने गुणों के कारण और हमारे घरों में तुलसी की इसीलिए देवी का दर्जा देकर पूजा भी जाता है। यही सारे गुण काढ़ा में प्रयोग किए गए अन्य मसालों में भी पाए जाते हैं। हमारे देश में प्रचलित नानी दादी के घरेलू नुस्खों में भी इस तरह के काढ़े का वर्णन आपको पढ़ने या देखने को मिलेगा। तीसरा, दूध में हल्दी मिलाकर प्रतिदिन 1 से 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर में अनेक रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। मार्गदर्शिका में COVID-19 संकट के दौरान अपनी देखभाल करने के सरल घरेलू उपाय भी बताए गए। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले शुरुआती 2 से 3 दिन हमारे मुंह, श्वास नली या नथुनों के आसपास बना रहता है। मार्गदर्शिका में बताया गया है कि इस दौरान हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला, रोज सुबह शाम अपने दोनों नथुनों में तिल का तेल या नारियल का तेल घी के साथ उपयोग करें। दूसरा, रोजाना 1 से 2 बार 1 चम्मच तेल का तेल या नारियल के तेल से कुल्ला करें और इसको 2-3 मिनट तक कुल्ला करते रहें। इसके बाद इसको पिए ना, इसको बाहर थोक दें और इसके तुरंत बाद गर्म पानी से कुल्ला करके इसको बाहर थोक दें। ऐसा करने से हमारे मुंह में प्रवेश कर चुके वायरस को खत्म करने में मदद मिल सकती है। इस दौरान गले में खराश या सूखी खांसी हो तो आप यह उपाय भी अपना सकते हैं। पहला, तेज गर्म पानी में ताजा पुदीना के पत्ते और अजवाइन को डालकर रोजाना कम से कम 1 बार भाप जरूर लें। दूसरा, लौंग के पाउडर को शहद में मिलाकर या फिर गुड़ में मिलाकर 2-3 बार जरूर उसका सेवन करें।
इन दोनों उपाय से सूखी खांसी और गले की खराश में आराम मिलेगा। और अगर फिर भी आपकी समस्या बरकरार रहती है तो अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। और अंत में केवल यही कहना चाहूंगा कि कृपया इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचारों से बचें, केवल सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।